यस गुड मॉर्निंग पेंसी बेटा, आज अपन एकांगी करनी है, जफरनामा। ठीक है, एकांगीकार कौन है? डॉक्टर हरचरण सिंह। ठीक है, ये भी थानू लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ शॉर्ट ही आएंगे, राइट? बट ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते ने। ठीक है, यहाँ कोई डायलॉग हो सकता है कि किन्ने डायलॉग किया, क्यों किया, किनू लिखा, इस तरह के। ठीक है, सो सब तो पहला आप लेखक बारे क्वेश्चन करेंगे आज, ओके? उस तो बाद विच एकांगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जन्म, डॉक्टर हरचरण सिंह का जन्म कदों होया? ठीक है, कदों ते कित्थे? डॉक्टर हरचरण सिंह का जन्म कदों ते कित्थे होया? 10 दिसंबर 1914। ठीक है, 10 दिसंबर 1914 ईस्वी नू आ रखे इतने आ गए ना चक नंबर जरा आप कल किया। ए चाहे तुसी ना लिखो, चक नंबर 576। जिला लिख लो शेखुपुरा, है किथे? पाकिस्तान विच। ठीक है, कदों ते किथे? नेक्स्ट, इन्हां दे पिता दा नाम? कृपा सिंह। ते माता दा नाम? रखी। ठीक है, ये डिटेल है, माता पिता दा नाम कृपा सिंह, ते माता दा नाम है रखी। डन। नेक्स्ट, डॉक्टर हरचरण सिंह ने एमए केड़े विषयां विच कीती? हरचरण सिंह ने एमए, दो एमए कीतियां सी ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि किन्नियां एमए कीतियां, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, दो कीतियां सी, एक कीती सी पंजाबी विच, ते दूसरी इतिहास विच। इतिहास मतलब हिस्ट्री विच। रखी माता का नाम, माता का नाम। क्वेश्चन बनेगा कि हरचरण सिंह ने केहड़ी एमए कीती? दो कीतियां सन, एक पंजाबी दी ता एक इतिहास दी। ये इन्हां दी पढ़ाई दे विच आ गया। ठीक है, पहला इदा बना लिया करो ना, क्वेश्चन लिखने की बजाय इस तरह कर लिया करो, जन्म, ठीक है, देन माता पिता, सेकंड हो गया, फिर तीसरा बना लिया करो पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई दे विच इन्होंने पहला एमए की, दो पंजाबी का इतिहास सी, फिर अगो इन्होंने पीएचडी की थी। राइट, पीएचडी वो भी इन्होंने पंजाबी दी की। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। यस अमृतपाल, लास्ट में कोई J7 आया हुआ है, गैलेक्सी J7। वेट वेट वेट, थैंक यू। क्वेश्चन बनाओ, डॉक्टर हरचरण सिंह का संबंध किस नाल रहा? हरचरण सिंह का संबंध किस नाल रहा? ठीक है, सो आंसर इज अध्यापन। अध्यापन मतलब, अध्यापन मीन्स अध्यापन रूमेता टीचिंग,
अध्यापन मतलब टीचिंग, टीचिंग दे नाल इन्हां दा संबंध रहा सी, किथे किथे पढ़ाया, ठीक है। अगो दी फोर्थ पॉइंट बना लो, पढ़ाई तो बाद विच, ये फोर्थ हो गया अध्यापन, मतलब उन्होंने टीचिंग किथे किथे कीती, पहला लाहौर विच इन्होंने बतौर टीचर काम किया, बतौर अध्यापक काम किया लाहौर विच, फिर दिल्ली, ये पढ़ाया इन्होंने लाहौर ते दिल्ली विच, ज्ञानी ते बुद्धिमानी। ज्ञानी ना एक क्लास होंदी सी, जिस तरह अजकल आप कह रहे हैं ना प्लस वन प्लस टू हो गई, उस टाइम ते प्लस वन प्लस टू नाम की कोई चीज नहीं सी, पहला ज्ञानी ही बोलते होंगे सी, ठीक है। ते बुद्धिमानी मतलब मैथ वगैरह दे नाल रिलेटेड है ना, या जीके वगैरह नाल रिलेटेड। ते दिल्ली यूनिवर्सिटी विच उन्होंने रीडर का काम किया, रीडर मतलब रीडर, हाँ उन्होंने रीड कीतिया, मे बी उन्होंने बुक्स वगैरह रीड कीतिया, ते फिर उन्होंने अपनी भाषा विच उन्होंने लिखिया। ठीक है, उस तो बाद एदे ही पॉइंट दे विच लिखो, अध्यापन वाले पॉइंट विच, पंजाबी यूनिवर्सिटी, ऐसे ही विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच हो पंजाबी विभाग दे मुखी अते प्रोफेसर रहे, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच हो पंजाबी विभाग दे मुखी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ते प्रोफेसर, ठीक है, राइट। अगे पूछा जा सकता थानू क्वेश्चन कि उन्होंने वो केड़े विभाग दे इंचार्ज सन, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो, हरचरण सिंह केड़े विभाग दे इंचार्ज सन, केड़े विभाग दे, विभाग की हुंदा है डिपार्टमेंट, विभाग केड़ा सी, नाटक विभाग, ठीक है, उदे ही रहे इंचार्ज, राइट। ऐसे तो हो गया सब दा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया हुए तो दस दो। हिमानी कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है, उदे अंडर भी काफी सारे आ रहे सी पॉइंट्स। डन हो गए। नेक्स्ट लिखो, इना दी पछाण किस वजो हुई, पछाण इना दी पछाण किस वजो हुई, एक नाटककार दे वजो, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर नाटक ही लिखे सन या एकांगिया ही लिखिया सी। एकांगी दे नाटक विच फर्क की है? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एकांगी ते नाटक विच की फर्क है? एकांगी नाटक में, हाँ वो मैं लग गया पता मेनू, नाटक एकांगी भी तो बनाई जा सकती है, की फर्क है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एकांगी ते नाटक विच की फर्क है, पता किसी नू? एकांगी की हुंदा है वन एक्ट प्ले, ठीक है, मतलब इको ही एक्ट विच, हुन आपां जफरनामा पढ़िया, ठीक है, ए एक एकांगी है, वन एक्ट प्ले है, ओदे विच इको ही वेन्यू सीगा, वेन्यू केड़ा है, वेन्यू केड़ा है? औरंगजेब दा एक बस कमरा या ओदा शाही महल, ठीक है, या हुन नाटक देखो आपां देखदे हां सीरियल देखदे होगे, ओदे विच वेन्यूज भी अलग अलग हुंदे ने, तो ओदे विच एक्ट इको थोड़ी चलदा है,
किन्ने सारे एक्ट चलते रहते हैं, ठीक है। हुंदा है सेम ही है वन एक्ट प्ले एकांगी ते नाटक हुंदा जिहदे विच काफी सारे सीन्स होण, काफी सारे पात्र होण, ठीक है। एकांगी विच थोड़े लिमिटेड पात्र हुंदे ने और एको ही अंक दे विच एको ही सीन विच सब कुछ खत्म हो जाता है। नाटक विच बार बार सीन हुंदे ने और उहदे नाल वेन्यूज भी चेंज हुंदे ने, कई बार तुसीं देखिया कि पात्र भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। नीड दे अकॉर्डिंगली किहड़े पात्र नूं एंटर करना है किहड़े पात्र नूं नहीं, सो यह फर्क हुंदा दोनों विच, ठीक है। अगे लिखो रचनावां, नेक्स्ट पॉइंट। रचनावां रचनावां इहनां दीआं बहुत सारियां ने, उहदे विचों कुछ क लिख लो, बाकी तुहाडे सब कोल बुक है उहदे विचों दी अंडरलाइन कर लियो, ठीक है। बुक दे विच लिखियां होईयां ने, अगर तुसीं चाहोगे तां मैं तुहानूं लिखवा सकदी हां। दसो लिखवा देवां, चलो ओके जी। रचनावां लिखो कमला कुमारी, कमला कुमारी, थोड़ा स्लो बोलांगी, ठीक है, ताकि थोड़ा छुट्टे ना। राजा पोरस, जीवन लीला, खेडन दे दिन चार, पांच गीतड़ा, दूर दुराडे शहर, शहरों। तेरा घर सो मेरा घर, नेक्स्ट इधर लिख रही हूं मैं मुड़के की खुशबू, शोभा शक्ति, बहुत ज्यादा ने मैं थाना गया सीगा। रत्ता सालू, हां जी एक बार गोथ्रो तो तुम सारे होना पैना ना, उन्होंने मान लो एमसीक्यूज कोई भी देती, मान लो कि कोई होर एकांगीकार दी देती है, तुम्हें इन्होंने बारे पता तो होना चाहिए ना। एक बार गोथ्रो जरूर हो जाइयो, छड़ियो ना, क्योंकि ज्यादातर एक लेखक बारे, ठीक है, जन्म माता पिता या उन्होंने रचनावां बारे ही क्वेश्चन आ सकता है। नहीं कल अज ते पलक, कल अज ते पलक, कल अज ते पलक, हिंद दी चादर, हिंद दी चादर, देख कबीरा रोया, मसीहा सूली ते मुस्कुराया, होर पंजाब दी इको मर्द राणी जिंदा, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਬੁੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 148, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 148 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
क्लियर। नेक्स्ट लिखो सम्मान, रब कर दवा है सम्मान। क्वेश्चन की फॉर्म च लिखने की बजाय ना तुसी उन्हें शॉर्ट विच लिख लिया करो, ठीक है। खास करके लेखक बारे इकांगी विच तो क्वेश्चन बनाने बनाने तुसी। सम्मान केड़े मिले इन्हों कल पज सॉरी कल अज ते कल, ये रचना का नाम है अज ते पलक, पलक मतलब जिहड़ा आने वाला कल है उहदे लई इन्हां नूं मिलिया साहित्य अकादमी दिल्ली वालों, साहित्य अकादमी दिल्ली वालों इन्हां नूं पुरस्कार मिलिया सी इस रचना लई, ठीक है। ये रचना का नाम है, ये सम्मान है। फिर दूसरा सम्मान उन्होंने मिलिया भाषा विभाग पंजाब वालों, श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार पुरस्कार एदे वालों मिलिया। केड़ा मिलिया? श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार, ठीक है। ये ने उस तो बाद विच होर दो ने सम्मान, इस तो इलावा इन्हां नूं मिले आ तीसरा सम्मान यापा कनेडा अते पंजाबी साहित्य अकादमी पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना, इन्होंने केड़ा सम्मान दिता इन्हों करतार सिंह धालीवाल। करतार सिंह धालीवाल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नाल ए पुरस्कार का नाम है करतार सिंह धालीवाल, ठीक है। लिख लो चार तीन सम्मान मिले सी। पहला सी इन्हां नूं कल अज ते पलक लई मिलिया साहित्य अकैडमी दिल्ली वालों, दूसरा इन्हां नूं मिलिया भाषा विभाग पंजाब श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार दा अवार्ड मिलिया, ठीक है। ये अवार्ड दा नाम है राइट। फिर इन्हां नूं यापा कनेडा कैनेडा की कोई होगी अकैडमी ओहदे वालों मिलिया, इन्हां नूं पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना वालों मिलिया करतार सिंह धालीवाल दा, ठीक है। ए अवार्ड का नाम है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन लिखो देहांत, हरचरण सिंह का देहांत कदों होया? 12 अप्रैल 2006 नूं। तो
बाद विच जफरनामा एकांगी राइट पहला आप सार करते हैं ठीक है ते उस तो बाद विच आप क्वेश्चन आंसर शुरू करांगे ठीक है। सो जफरनामा एकांगी लिखी हुई है डॉक्टर हरचरण सिंह दी क्लियर है एदा सार सार कौन बोलेगा की दस्या होया है ऑनलाइन स्टूडेंट्स सार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨੋ ਪਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਂਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਖੱਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਖੱਤ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਖੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ लिखवाया होया है थानू सफर दा मतलब जुल्म नामा दा मतलब चिट्ठी एदा दी चिट्ठी हां जी जुल्म दी चिट्ठी एदा दी चिट्ठी जेदे विच औरंगजेब दे जुल्मा नू बयान किता होया सी औरंगजेब उहनां नू पढ़ के बहुत ज्यादा की है निराश हुंदा है उहनूं बहुत ज्यादा पछतावा हुंदा है ते उहनूं आवाज़ां सुनाई दिंदियां कि तू हमेशा प्रजा दा चैन खोया किन्ने साल खोया सी किन्ने साल चैन खोया सी सब कुछ भूल गया हां जी अमृत 48 इयर्स हां जी 48 टू 50 इयर्स गुड राइट उन्ने साल उन्होंने प्रजा का चैन खोया ते प्रजा ने बहुत ज्यादा दुखी किया सी ठीक है ते हुण ओ की करदा है ओदे जिन्ने भी अहलकार हुंदे ने फौजदार ने सूबेदार ने ओ बहुत उच्ची उच्ची हफजे रहंदे ने ठीक है ते औरंगजेब नु ए सब कुछ पसंद है नाच गाना नु पसंद है नहीं है उन्हें बिल्कुल नाच गाना पसंद नहीं जबकि महिला लगता उच्ची उच्ची आवाज आ रही है एक्चुअल कुछ नहीं हो रहा हों सिर्फ ओरी अंदरली जी आत्मा है उही एदा फील हों ठीक है फिर उस तो बाद दसिया है कि इन्ने बहुत ज्यादा चीका मारता है ओरी जी नींद है खुल जाती है सब कुछ वो सपना देख रहा हों फिर अंदर कौन आंदा है ओरी बेटी बेटी का नाम की है जीनत ठीक है ओ अंदर आंदी है ओ देखदी है ओ पहला ते उनु कहंदा है कि तू मेरी मर्जी दे बिना अंदर किद्दा आ गई ठीक है ना मेरी परमिशन दा तू लई नहीं फिर ओ की कहंदा है कि ओ कहंदी कि मैं तुहाडियां आवाज़ां सुन के अंदर आई ठीक ते उस तो बाद विच ओ अपनी बेटी नु कुछ नहीं हले दसदा ते एने नु कौन अंदर आ जांदा ओदा वजीर वजीर खान दा वजीर दा नाम की है असद खान असद खान अंदर आंदा है असद खान फिर ओनू मतलब बुलांदा है उस तो बाद विच ओदी बेगम जड़ी है बेगम उदयपुरी वह भी अंदर आ जांदी डरते मारी फिर शाही हकीम नू बुलाया जांदा है शाही हकीम की करता है ओनू दवाई दिंदा है वह शाही हकीम ते भी शक करता है कि पहला तू ये दवाई जड़ी है खुद पहला पी के दिखा ठीक है उस तो बाद विच ओ कहंदा कि मैं तुहाडे तो डरदा हां क्योंकि मैं तुहाडी प्रजा विच रहना राइट फिर शाही हकीम चल जांदा फिर असद खान कला उथे रह जांदा और असद खान नू अपना दोस्त मनदा है सच्चा उन्हों अपने दिल दे सारे राज दसदा है कि किस तरह मैं धोखे दे नाल जिहड़ा वजीर खान ने जिहड़ा सी छोटे साहिबजादियां नू नीहां विच चिणवा दिता सीगा गुरु गोबिंद सिंह जी दे जिहड़े पिता जी सन कौन सन श्री गुरु सिखां दे नौवें गुरु कौन सन श्री गुरु तेग बहादुर जी सब कुछ भुल गया श्री गुरु तेग बहादुर जी ठीक है उन्होंने भी इन्होंने कतल करवा दिता सीगा राइट ते ओ कहंदे है कि सारे जिन्हें भी हुण उन्होंने दस्या वजीर खान अपने वजीर नू असद खान नू
कि उन्हों का खाता आया है गुरु गोबिंद सिंह जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी मिलना चाहते सन पर वो औरंगजेब उन्होंने नहीं मिल रहा है। तो हुण अस्त खान ने कहा कि वह उन्होंने मिले कितने, मालवे के कांगड़ नगर में जाके मिले। ठीक है, तो कहते हैं कि तुसी मतलब अपने जोड़े दो वफादार ने उन्होंने हाथ अपनी चिट्ठी भेजो। वो वफादार कौन सन, एक दया सिंह ते एक मीर मुंशी। ठीक है, उन्होंने हाथ चिट्ठी भेजो ते उन्होंने उत्थे मिलन लई इकरार करो। ठीक है, उस तो बाद अस्त खान जो चल जाता फिर जीनत अंदर फिर आती है, दोबारा वो एंट्री होंगी है। फिर जीनत पूछती है कि तुम मेरे तो कुछ छुपा रहे हो, तुम इन्ने दिन का नहीं मैनू दसते। फिर वो सब कुछ उन्होंने यही सीक्रेट दसता है जो अस्त खान दसा उन्हें। ठीक है, तो जीनत वधिया रिएक्ट करती है, नहीं करती। उस तो अपने पिता से गुस्सा चढ़ता, वह कहती कि तुम रब न प्यार जरूर करते हो, रब न प्यार करते हो, नहीं करते। वह कहता तुम रब न प्यार नहीं करते, बस तुम रब तो डरते हो। ठीक है, जो तुम प्यार रब न करते होंगे तो रब के बंद भी तुम प्यार करते, तुम इन्ने छोटे छोटे बच्चों नीहां विच इन्नी बुरे तरीके उन्होंने शहीद ना करवाते। फिर वह कहता है कि मैनू अपनी जिहड़ी सोच है जो मैं अपने आप से किया है उसे मैनू बहुत ज्यादा पछतावा है। ठीक है, तो जिहड़ी जीनत है वह कहती परमात्मा तुहानू कभी भी माफ नहीं करेगा, तो इहनू एंड हो जाता। ठीक है, ये स्टोरी काफ़ी थोड़े 8-9 पेजिस सन आई थिंक। ठीक है, सो आप 8-9 पेजा के जोड़ा लगेगा जोड़ा मैं थोड़ा क्वेश्चन करवा चुकी होवगी मैं बोलूँगी जरूर, बट तुम लिखियो ना। ठीक है, क्योंकि ये भी मैं थोड़ा 30-35 क्वेश्चन दिते हुए ने, राइट। सो जोड़ा कुछ एक्सट्रा क्वेश्चन होएगा वो आप जरूर करा, क्लीयर है। हले है टाइम, आप सिर्फ पात्रा के नाम लिख लें, बाकी आप कॉल करांगे। ओके, हाँ जी, पात्र कौन कौन ने, औरंगजेब ये है मुख्य पात्र, फिर ओदी बेटी जीनत उन्निसा, देन पत्नी बेगम उदयपुरी, किनवी पत्नी सी ओदी, तीजी पत्नी। ठीक है, ओदा बेटा, एदा बेटा काम बख्श। कहते दो होर बेटिया के नाम भी आए ने पर पात्रा विच नहीं है। ठीक है, फिर उदा दोस्त अस्त खान, शाही हकीम। ठीक है, ये पात्र ने, क्लियर है। समा किन्ना है, मतलब जो भी ये गल चल रही है 1706 का समा है, एग्जैक्ट नहीं है बट 18वीं सदी चल रही थी। ठीक है, स्थान केड़ा है, हाँ जी अहमदनगर, जो के दक्षण विच है। ठीक है, और वक्त कदों का है या समा, सवेर का, अर्ली मॉर्निंग, सवेर सार। ठीक है, उस तो इलावा एक बेटे का नाम आया है अकबर, एक हाँ जेब उन निसा, गुड, जेब उन निसा का नाम आया है जो कि अकबर औरंगजेब दे बागी पुत्र ते पुत्री सन। ठीक है, एक औरंगजेब दे पिता शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब का पिता ते औरंगजेब की एक बेटी है, ये पात्र नहीं हैं पर इन्होंने नाम आए हैं जेब उन्निसा ते अकबर। हाँ जी,
हाँ ए बागी सन दोवें, बागी मतलब इन्हों दो ने औरंगजेब के खिलाफ ही रहे हैं, ओदा कभी भी इन्होंने फेवर नहीं किया। ठीक है, ये सारे नाम आए सन। और उसको इलावा दया सिंह है, मीर मुंशी है जो पंजाब तो खत लेके आए थे गुरु गोबिंद सिंह जी का। ठीक है, इन्ना फिलहाल कर लो, बाकी क्वेश्चन आप कल करांगे। ठीक है, हाँ जी किरशान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था कहानी के विचले पात्र ना दसो, फिर कौन से पात्र का लिखना नाम? विचले पात्र का नाम ए दे विचो दी। ओके, पात्र बेटा ये सारे पात्र ने। ठीक है किरशान, ये जिन्ने भी ने ए पात्र नहीं है। हाँ जी मैम, विचले पात्र जो कहानी के बीच में आते हैं वो विचले पात्र का कोई नहीं है। हाँ ए ए जड़े ने ए मुख पात्र है, ए सहायक पात्र है। ठीक है, ये भी सहायक पात्र है। ओके, बाकी अब मैं थोनू कल दस देवांगी केड़ा मुख पात्र है केड़ा सहायक पात्र है। ठीक है जी,